और ये हमारी रिक्शा 3313 नंबर। हाय एवरीवन, ये मैं सिविल हॉस्पिटल आ गया हूँ। ये मैंने मेरी रिक्शा को पार्क कर लिया है। ये 3513 मेरी रिक्शा का नंबर है। और ये देखिए पार्किंग जोन, पूरा पार्किंग है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ये भाई भी पार्किंग करने आ गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये अब आपको दिखाऊंगा एरोप्लेन कदाज, आपको दिखाई देता हूँ। मेरा मोटिव दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि अगर कोई सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद आता है, दूर दूर से आते लोग, जैसे कि कोई अहमदाबाद से आता है, कोई राजकोट से आता है, कोई बड़ोदरा से आता है, गुजरात के हर एक कोने से लोग यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। आप पीछे रिक्शाएँ देख सकते हैं दोस्तों, गुजरात के हर एक कोने से लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। और राजस्थान, यहाँ से नज़दीकी पड़ता है, 200-300 किलोमीटर की बॉर्डर है, 200 किलोमीटर की, राजस्थान से भी लोग, काफ़ी लोग यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। एमपी से, यूपी से कई लोग आते हैं। और उनको बेचारों को, बेचारे नहीं कह सकते, सॉरी दोस्तों, उनको रहने की और खाने की दिक्कत पड़ती है। पेशेंट को तो खाना अंदर से मुहैया हो जाता है, मगर जो साथ में होते हैं एक या दो जन, तो उनको खाने की, रहने की तकलीफ़ पड़ती है दोस्तों, खाने की भी बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे एक सेवा संस्था है जो बहुत ही अच्छा कार्य करती है। आइए मैं दिखाता हूँ, ताकि आप कभी आओ तो आपको कोई दिक्कत ना पड़े। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, या बोर्ड पढ़ पाएंगे, गुजरात दर्दी लोक कल्याण ट्रस्ट, गुजरात दर्दी लोक कल्याण ट्रस्ट, जो यहाँ पार्किंग के बिल्कुल एग्जैक्ट सामने, पार्किंग के एग्जैक्ट सामने जो रैन बसेरा है, वो रैन बसेरे के अंदर ही एक काउंटर लगाया गया है। इसी काउंटर पे आपको ये संस्था के कार्यकर्ता हैं, इनको अपने मिलते हैं। अपने अंकल जी बैठे, आपका नाम रणछोड़ भाई पटेल नाम है, संस्था का नाम गुजरात दर्दी लोक कल्याण ट्रस्ट। गुजरात दर्दी लोक कल्याण ट्रस्ट, जो यहाँ पे टिफिन सेवाएं होती है दोस्तों, अगर आप कहीं से भी दूर से कहीं भी आवे, अगर रहने की दिक्कत है तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, रहने की भी काफ़ी अच्छी सुविधा है। यहाँ शाम को सो सकते हैं, देखिए बिस्तर भी है। अगर आप कहीं से भी दूर से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, यूपी से आते हैं, बिहार से आते, कहीं से भी आए दोस्तों, गुजरात से नहीं, कहीं से भी आए, बहुत ही अच्छी सेवाएं। और यहाँ पे एक खाली जो अपना दर्दी जब एडमिट होता है तो उसको ऐसा पास दिया जाता है, वो पास लेके यहाँ आना है, और केवल मात्र 10 रुपये में ही ये सेवाएँ दी जाती है दोस्तों। ये देखिए गाइड्स, ये ऐसे पास के जो गेट पास होता है पेशेंट का, उस पास के पीछे टोकन नंबर लिखा जाता है, और उस पास के ऊपर मोबाइल नंबर भी लिखा जाता है, और जो आगे नंबर लिखा होता है उसको देखिए मिटा के, बहुत ही अच्छी सेवाएं दी जाती है यहाँ से, यहाँ पे 10 रुपये में टिफ़िन सेवा। अगर पेशेंट के साथ दो है तो दो टिफ़िन लिखवाए, तीन है तो तीन टिफ़िन लिखवाए, एक ही पास पे आप 3-4 लिखवा सकते हैं, 3 का 30 रुपया। शुद्ध खाना मिलता है दोस्तों, बाहर का खाना मत खाए, टिफ़िन से घर जैसा खाना। और भी आपको मैं दिखाऊंगा, ये बिस्तर है दोस्तों, ये बिस्तर है, पलंग है, देखिए ये रैन बसेरा दोस्तों। ये देखिए दर्दीना सगा माटे रहवानी व्यवस्था, मतलब रैन बसेरा, यही एक काउंटर लगाया गया। और एक बार फिर से आपको एक बोर्ड दिखा देते हैं, गुजरात दर्दी कल्याण लोक कल्याण ट्रस्ट,
बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और बिल्कुल बीजे कॉलेज देखिए, आपको मैं दिखा सकूं, ये बीजे कॉलेज है सामने, बिल्कुल बीजे कॉलेज। और ये पार्किंग जोन के बीच में ये रैन बसेरा। ये दोस्तों पार्किंग एरिया है, देखिए बहुत बड़ा पार्किंग एरिया बनाया गया है, जो अंडरग्राउंड बनाया गया है। पार्किंग एरिया अंडरग्राउंड बनाया गया है। और ये 1200 बेड हॉस्पिटल नया निर्माण किया गया है। जुनी बिल्डिंग को गिरा के नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। देखिए दोस्तों, एम्बुलेंस, कई गाड़ियाँ, कई पेशेंट दर्दी ओपीडी की तरफ जाते हुए, महिला बाल एंड सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल अहमदाबाद, तो सिविल हॉस्पिटल के अंदर है। इसके बिल्कुल एग्जैक्ट सामने ही रैन बसेरे के अंदर आपको सुविधाएं दी जाती है, जो भोजन की सुविधा है। और ये बस है, देखिए ये बस सेवा है दोस्तों, फ्री बस सेवा है। देखिए ये मैं आपको दिखाऊं, ये बिल्कुल फ्री बस सेवा है, बिल्कुल मुफ्त फ्री बस सेवा है। अगर कोई पैसा मांगे तो पैसा मत दीजिए। यहाँ पे ई रिक्शा भी सेवा चालू है, ई एम्बुलेंस भी बोलते हैं उसको। उसमें 4 दर्दियों को, 4 पेशेंट या एक पेशेंट के साथ 3 जने 2 जने हो तो 4 जनों को लेके जाती है। यहाँ काफ़ी दूर दूर से पेशेंट आते हैं, कई पेशेंट आते हैं कम पैसे में, हर एक इलाज के हर एक ट्रीटमेंट लेने आते हैं दोस्तों। यहाँ पे गेट एंट्री होती है, गेट पास, हम गेट पास लेके, देखिए तत्कालिक को दिखता होगा पीछे, तत्कालिक को मैं अभी अंदर जाऊँगा, गेट पास मांगेंगे, मैं इनको गेट पास दिखाता हूँ। ये मेरा गेट पास है, ये गेट पास देखिए, अच्छा दोस्तों, अब हम यहाँ से वीडियो नहीं बनाएंगे। और शायद आपको मैं मेरी मम्मी ने ला कर ना दिखाएंगे, देखिए हाँ, ये मेरी मम्मी है, बाय कर, ये मेरी मम्मी है, क्यों बता रहे हाँ बोल, हेलो, आराम है ना, हाँ आराम, हमको स्टोन के लिए दाखिल किया गया है। और आज मंडे है, इनका वीडियो बनाइयो, हाँ। मेरी मम्मी की उम्र 72 ईयर है, और इस उम्र में इनको किडनी स्टोन हुआ है, और किडनी स्टोन के लिए ये ऑपरेशन के लिए भर्ती किया गया है। कुदरत से प्रार्थना करें कि मेरी मम्मी जल्दी ठीक हो जाए, ऐसे तो ठीक ही है, हम तो ठीक है, हाँ हमें तो ठीक है, ऐसे आ रहा हूँ।